सवाल नंबर एक, यहूदियों का नया साल किस महीने से शुरू होता है? आपके ऑप्शन है ये, ए फरवरी, बी जून, सी अगस्त, डी सितंबर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, यहूदियों का नया साल सितंबर से शुरू होता है। सवाल नंबर दो, यहूदी मजहब कितना पुराना है? आपके ऑप्शन है ये, ए 3000 साल, बी 4800 साल, सी 5780 साल, डी 6000 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, 2020 में यहूदी मजहब 5780 साल पुराना हो गया था। सवाल नंबर तीन, बैतुल मुकद्दस खानाए काबा के कितने साल बाद तामीर किया गया था? आपके ऑप्शन है ये, ए 20 साल, बी 25 साल, सी 35 साल, डी 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, बैतुल मुकद्दस को खानाए काबा के 40 साल बाद तामीर किया गया था। सवाल नंबर चार, किस कौम ने फिरौन की गुलामी की थी? आपके ऑप्शन है ये, ए कौमे बनी कतूरा, बी कौमे बनी इसराइल, सी कौमे आद, डी कौमे समूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कौमे बनी इसराइल ने फिरौन की गुलामी की थी। सवाल नंबर पाँच, इस्लाम में किस गुनहगार के हाथ काटने का हुक्म है? आपके ऑप्शन है ये, ए गीबत करने वाला, बी चोरी करने वाला, सी जिना करने वाला, डी शिर्क करने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, इस्लाम में चोरी करने वाले का हाथ काटने का हुक्म है। सवाल नंबर छः, किस चीज में मुसलमानों के लिए खैर ही खैर है? आपके ऑप्शन है ये, ए सब्र और शुक्र, बी भलाई, सी नमाज, डी इबादत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सब्र और शुक्र में मुसलमानों के लिए खैर ही खैर है। सवाल नंबर सात, वो कौन सा अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं? आपके ऑप्शन है ये, ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी जकात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, रोज़ा वो अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं। सवाल नंबर आठ, मुसलमानों का पहला झंडा किस रंग का था? आपके ऑप्शन है ये, ए सफ़ेद, बी काला, सी हरा, डी नीला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सवाल नंबर नौ, हज के दौरान हजरे अस्वद को छूना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ये, ए इबादत, बी अयादत, सी इस्तलाम, डी अरकान। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है सी। हज के दौरान हजरे अस्वद को छूना इस्तलाम कहलाता है। सवाल नंबर 10। ज़माना जहालत में खानाए काबा के अंदर कितने बुत रखे हुए थे? आपके ऑप्शन है ये ए 300, बी 360, सी 425, डी 500। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। ज़मानाए जहालत में खानाए काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। सवाल नंबर 11। हजरत बिलाल हब्सी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अजान कौन सी दी थी? आपके ऑप्शन है ये ए फजर, बी जोहर, सी असर, डी मगरिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हजरत बिलाल हब्सी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अजान फजर की दी थी। सवाल नंबर 12। एक साथ दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये ए जायज है, बी हराम है, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। एक साथ दो सगी बहनों से शादी करना हराम है। सवाल नंबर 13। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती थी? आपके ऑप्शन है ये ए बनू मूसा, बी बनी कतूरा, सी बनी इसराइल, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल कहलाती थी। सवाल नंबर 14। नमाज में कितने फराइज हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 3, बी 5, सी 6, डी 8। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। नमाज में 6 फराइज हैं। सवाल नंबर 15। बीवी का दूध मुंह में लेना कैसा है? अगर शौहर ने अपनी बीवी का दूध पी लिया तो इससे निकाह नहीं टूटेगा, अलबत्ता हलक के नीचे अपनी बीवी का दूध उतारना ये शरीयत में हराम है। इसीलिए मना किया गया है कि जो दूध वाली औरतें हों तो उनके पिस्तान को इतनी रगबत के साथ मुंह में ना लिया जाए कि उसकी वजह से दूध निकल जाए और आपके हलक के नीचे उतर जाए। तो अगर हलक के नीचे उतर गया तो ये हराम है, लेकिन उससे निकाह नहीं टूटता है।